चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार का एक तरफ सफाई अभियान जोरों पर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बांदा मुख्यालय का चमरोड़ी मोहल्ला अपनी बदहाली से आंसू बहा रहा है। बताते चले कि चमरोड़ी चौराहा दाल मिल के पीछे बस्ती में आवागमन पर भारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। रोड और नाली बराबर में होने के कारण नालियों का कचरा पानी रोड पर साफ रेंगता दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मी मनमानी पर तुले हुए हैं, ना ही कभी समय पर साफ सफाई करते हैं और ना ही नगरपालिका के कान में भनक पड़ रही है। मोहल्लेवासियों द्वारा कई बार नगरपालिका और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है। बांदा से दिनेश सिंह की रिपोर्ट। भैया आपका? मेरा नाम जगजीवन है। क्या कहाँ पे हैं इस समय आप? समय गायत्री नगर दाल मिल के पीछे। किस समस्या से परेशान है आप लोग? यहाँ देखिए रोड में पानी भर जाता है, नालियाँ ठीक नहीं है और जो सफाई करने वाले हैं सफा जाते हैं वो भेजते ही नहीं है। जब फोन करो कभी बाई चांस 3-4 महीने में एक बार आते हैं। सभासद कौन है, क्या नाम है सभासद का? सभासद माया राम। क्या उनसे आज तक जानकारी दी इस समस्या की? जानकारी उन्हें है, आते भी हैं, देते भी हैं फ़ोन करके। जब देते हैं तभी तो 3 महीने में भेजते हैं, लेकिन फ़ोन करके भेजने से थोड़ी कुछ होता है। इसके बाद आपने आला अधिकारियों को आज तक अवगत कराया इस समस्या को? आला अधिकारी को लल्लू गुप्ता है हमारे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था मगर समस्या का निदान नहीं हुआ। समस्या का निदान नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है आपका? लल्लू उर्फ साधु राम गुप्ता। कहाँ पे हैं इस समय आप? ये गायत्री नगर दाल मिल के पीछे। किस तरह की समस्या आ रही है आपको? यहाँ ना तो कोई सफाई होती ना कभी कुछ। रोड तो आप देख ही रहे हैं कि RCC बनने का कोई महत्व तो नहीं। जब पानी रोड में भरा है तो आदमी निकले तो कहाँ से निकले। मैं एक बार नगर पालिका में अप्लीकेशन भी डालाया हूँ, न कभी कोई कर्मचारी आता, न कोई जांच पड़ताल, कुछ नहीं है। कितने लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है? पूरे मोहल्ले को। कब से है ये समस्या? ये 4-6 सालों से है। कहाँ आपने शिकायत की इस समस्या की? मैंने एक बार नगर पालिका भर में किया था। क्या आश्वासन मिला था वहाँ से आपको? वहाँ से फिर कर्मचारी आए थे, सफाई कर गए थे। अब ये नवदुर्गों से अभी तक नहीं आया कोई सफाई कर्मी कि झाड़ू तक लगाने। आपका? सरोज गुप्ता। कहाँ पे हैं इस समय आप? मकान में खड़े हैं। किस जगह पे हैं? चमरौड़ी चौराहा दाल मिल के पीछे। किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? ये भैया ये रोड नहीं बन रही है, रोड नाली एक बराबर है, पूरा पानी भर जाता है। पूरा पानी रोड पे भर जाता है, भरा हुआ है, कहाँ से बच्चे निकले कहाँ? क्या सफाई कर्मी नहीं आते यहाँ पे? नहीं आते हैं यहाँ पर कोई। और उसके बाद आपने शिकायत की कहीं पे? हाँ की है। तो उसके नगर पालिका में की है, सब जगह की है, कोई नहीं आता है, ये रोड बननी चाहिए। यहाँ के सभासद को बताया आपने? हाँ बताया है। क्या नाम है सभासद का? नाम अमर है, मुझे मालूम नहीं है। सभासद का नाम बता दे आप। माया राम नाम है। क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। इस समय कहाँ पे मौजूद हैं आप? गायत्री नगर रोड बांदा दाल मिल के पीछे। किस समस्या से परेशान है आप लोग? ये रोड वाली समस्या है, नालियाँ भर जाती हैं, सब आदमी परेशान है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं आता कर्मचारी। यहाँ पे मच्छरों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, नालियाँ चौक हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल है, मच्छर जरूर लगते हैं यहाँ पे। इसकी शिकायत कहीं आला अधिकारियों को की थी आपने? हमने नहीं की है, बल्कि एक लोग गए थे खड़ा थे। यहाँ के सभासद को बताया आपने कि ऐसी समस्या है? हाँ बताया। चेयरमैन को जानकारी दी यहाँ के? चेयरमैन को भी नहीं की। नगर पालिका दिया था। यहाँ कितने लोग परेशान होंगे इस समस्या से? पूरा मोहल्ला, जितने घर हैं यहाँ पे सब परेशान हैं। लगभग कितने घर होंगे इस मोहल्ले पे? 25-30। हाँ मतलब मान लीजिए 8-10 घर तो है ही है, इतने में भरा हुआ तो उतना परेशानी है। जैसे कि यहाँ पे कई प्रकार की बीमारियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी सफाई नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत हर जगह सफाई करवाई जाएगी, मगर यहाँ क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है? ये तो कर्मचारी जाने और नगरपालिका। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।